नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संचार बंदी बढ़ाए जाने से नाराज व्यापारी जाएंगे हाईकोर्ट। एसटी कर्मियों ने एक दूसरे की मदद के लिए बनाया व्हाट्सएप मदद केंद्र। 10वीं की परीक्षा रद्द करने का मामला पहुंचा कोर्ट। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। संचार बंदी बढ़ाए जाने से नाराज व्यापारी जाएंगे हाईकोर्ट। मुंबई में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगने के बावजूद सरकार ने संचार बंदी 1 जून तक बढ़ा दी है। इससे नाराज छोटे कारोबार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कारोबारियों का कहना है कि पाबंदियों के बावजूद ई कॉमर्स के जरिए गैर जरूरी सामानों की बिक्री हो रही है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यही नहीं, सरकार ने कारोबारियों और उनके कर्मचारियों के लिए भी किसी तरह के राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया है। इसलिए अब मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेन शाह ने कहा है कि हम बार बार सरकार से मांग कर रहे थे कि मुंबई समेत राज्य के जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में आ गई है, वहाँ छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए दुकान खोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में कारोबारियों को किसी भी तरह की राहत पैकेज। तो वही दूसरी ओर एसटी कर्मियों ने एक दूसरे की मदद के लिए बनाया व्हाट्सएप मदद केंद्र। राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के कर्मचारियों को सीधे सरकार की ओर से भले ही कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों ने व प्रशासन ने मिलकर कोविड मरीजों की मदद के लिए एक व्हाट्सएप मदद केंद्र तैयार किया है। इसके माध्यम से कईयों को ऑक्सीजन से लेकर दवा आदि की मदद की जा रही है। यह मदद केंद्र कर्मचारी व कर्मचारियों के परिजनों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो वही तीसरी और 10वीं की परीक्षा रद्द करने का मामला पहुंचा कोर्ट। कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार की ओर से कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के निर्णय को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को कक्षा 10वीं की परीक्षा एक निश्चित समय सीमा के भीतर आयोजित करने का निर्देश दिया जाए। गुरुवार को न्यायमूर्ति के तातोड़ व न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई, लेकिन एक न्यायमूर्ति ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसलिए अब सोमवार को अन्य खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई होगी। अधिवक्ता उदय वरुण जेकर ने मार्फत दायर याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से ली जाने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा में 16 लाख विद्यार्थी शामिल होने थे, जबकि 12वीं की परीक्षा में 14 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। सरकार ने कहा है कि 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर जो व्यवस्था 14 लाख बच्चों के लिए हो सकती है, वह व्यवस्था 16 लाख विद्यार्थियों के लिए क्यों नहीं की जा सकती है। याचिका ने CBSE ICSE बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा न लेने पर भी सवाल उठाए गए। यह याचिका पुणे निवासी धनंजय कुलकर्णी ने दायर की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।